नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी आलू और बैंगन की सब्जी। तो आलू को मैं छील के इस तरह से कट कर ली हूँ, ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं। और बैंगन को भी मैं उसी तरह से कट कर ली हूँ। और इसके लिए हमें चाहिए टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट। एक बाउल में हम पानी डाले हैं और उसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं रेड चिल्ली पाउडर। तो सूखे मसालों को मैं यहाँ पे पेस्ट बना रही हूँ। तो ये मेरा पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम जाते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो एक कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो कटे हुए आलू को हम डालेंगे। तो आलू को हमें हल्का फ्राई करना है। जब आलू का कलर लाल हो जाए तो हम उसमें डालेंगे बैंगन। इसके बाद दोनों को हम मिलाएंगे। मिलाने के बाद 2 से 3 मिनट हम लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे। दो तीन मिनट के बाद हम कवर को हटा के एक बार मिला लेंगे। तो ये मेरा रेडी हो गया है। अब हम निकाल लिए हैं और उसी कढ़ाई में हम तेल ऐड करेंगे। तेल गरम हो गया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें जीरा चटकाएंगे। जीरा चटक गया है। जीरा चटकने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट। प्याज के पेस्ट को हम थोड़ा भूनेंगे। इसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम भून लेंगे। इसके बाद कटे हुए टमाटर डालेंगे। कटे हुए टमाटर की जगह आप इसका पेस्ट भी व्यवहार कर सकते हैं। और जो सूखा मसाला हम बनाए थे उसका पेस्ट भी हम डाल दिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और लो फ्लेम पे हम इसको 2 से 3 मिनट कवर करके रख देंगे। 2-3 मिनट के बाद हम फिर से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं मसाला से तेल अलग हो रहा है। तो मसाला का कच्चापन चला गया है। तो इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे आलू और बैंगन। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरह बना के खाइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा बना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। कवर करके हम इसको रख देंगे 5 से 7 मिनट। 5-7 मिनट के बाद हम एक बार फिर से चला देंगे। तो ग्रेवी आपको जिस तरह से रखना है उसी के हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे आलू पका है कि नहीं। तो ये हम आलू को चेक कर लिए हैं। तो आलू पक गया है। तो ये ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाती है। तो इसको कवर करके 2 से 3 मिनट हम रख दिए थे। तो हम इसको गरम गरम ही सर्व कर रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।